हाय फ्रेंड्स, मैं मंजू शर्मा, मंजू जी के टैलेंट हब से। और आज हम बनाएंगे पाव के साथ खाने वाली भाजी। तो फ्रेंड्स, पाव की रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और अब आज हम बनाएंगे भाजी। तो भाजी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? ये चाहिए मटर, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और मसाले। फ्रेंड्स, मसाले नॉर्मल वही चाहिए, और चाहिए अपना उसका मसाला जो कि सब्जी में डालने वाला मसाला आपके पास है वो आप डाल सकते हो, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल मसाले भी डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बना लेते हैं भाजी। और पाव भाजी मसाला आपके पास हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप नॉर्मल मसाले से भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जरूरी हैं, आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं आप उनका यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास जितनी अवेलेबल थी मैंने उसी से बनाया है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारी सब्जियां हों, तो आपके पास जो भी दो सब्जी, एक सब्जी जो भी है आप उसको यूज़ करिए। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट रोल है आलू का। तो फ्रेंड मैंने तीन आलू लिए हैं, तीन टमाटर लिए हैं, एक शिमला मिर्च, एक गोभी, एक प्याज, एक गाजर और मटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलिए बनाते हैं भाजी। इन सारी सब्जियों को मैं बारीक कट करके बॉईल करने रख देती हूँ। फ्रेंड्स, सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट लिया है और कुकर में डालकर एक सीटी लगा ली है। तो ये अब हम देख लेते हैं अपनी सब्जियों को। सारी सब्जियों को देखिए बॉईल कर लिया है मैंने, बॉईल करके आलू को भी बॉईल कर लिया अलग से, सारी सब्जियों को बॉईल कर लिया है। चलिए अब हम बनाते हैं भाजी। तो ये मैंने कढ़ाई गरम करके ऑयल डाल दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, जीरा चटका लेते हैं। इसमें डालते हैं प्याज, एक मीडियम साइज की मैंने प्याज को काट लिया है और अब हम इसको भून लेते हैं। प्याज को ब्राउन हो कर लिया है मैंने, ये देखिए प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गई है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सब्जियां, उबली हुई सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और मैं अब डालूंगी इसमें सारे मसाले। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, देगी मिर्च ली है, लाल मिर्च नहीं ली है, और धनिया, पिसा हुआ धनिया, ये सब मैंने इसमें ले लिया है। और लिया है पाव भाजी मसाला एक चम्मच। तो ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए अच्छे से इसको बना, सारी सब्जियों को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको, इन सारी सब्जियों को अपने रई से अच्छे से मैश करूँगी। सब्जियों को मैश करते हुए मुझे इसमें डालना है आलू, आलू को भी मैं मैश करूंगी। और ये डालना है मुझे मटर, मटर को भी मैश करना है। थोड़ी सी मटर बचा लेती हूँ जिसे बाद में डालूंगी। सारी सब्जियों को मैश कर लेते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, ये मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको पकने देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, भाजी हमारी पूरी तरह से बन चुकी है और अब हम डालेंगे इसमें धनिया, खूब सारा धनिया डालेंगे जिससे कि ये दिखने में बहुत ही गुड लुकिंग लगे और देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, आता है ना देखते ही मुंह में पानी। और अब हम इसमें डाल देंगे फाइनली मक्खन। अब हम इसमें डाल देते हैं ये मक्खन फाइनल स्टेज पर। तो हमारी जो भाजी है वो बनके एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, बिल्कुल पीसने पर दाल जैसी बन जाएगी, वो घर में पसंद नहीं है किसी को, इसलिए मैंने इसको दरदरा रखा है। ऊपर से मटर डाल दिया है, हल्की सी गाजर बॉयल की हुई बचाई थी तो उसको ऊपर से डाला है,
बाकी सब चीजों को पीस लिया, मैश कर लिया था।